खबरें देते हैं दुनिया भर के, देश भर के ऐसे लोगों को लेकर, ऐसे कारोबारों को लेकर, ऐसे ठगियों को लेकर जिनके बारे में बात करते हुए हमें भी हैरानी हो जाती है कि भारत देश को लूटने वाले देश के ही कई ऐसे लोग हैं जो कि यहाँ पर दो चेहरा लेकर घूमते हैं। और यहाँ पर हम आपको हमारी इस रिपोर्ट में बताना चाहेंगे पीयूष जैन के ही बारे में, जिनके घर पर जब रेड पड़ी तो करोड़ों 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 रुपए मिले हैं। ऐसे में पीयूष जैन का मामला इस वक्त काफी गंभीर बताया जा रहा है। पीयूष जैन जिनके पास दुबई से लेकर ऑस्ट्रेलिया में भी संपत्ति बचाई जा रही है और सोने की ईंटें रखी हैं, उन्होंने जांच DRI इस पर करने वाली है। जी हाँ, कानपुर और कन्नौज वाले घर से जिनके घर पर 200 करोड़ के कैश ही नहीं मिले, बल्कि इसके अलावा 64 किलो के सोने, 250 किलो की चांदी भी जांच एजेंसियों को जब मिले तो सब चौंक ही गए। घर से बरामद हुए सोने के इन विदेशी बिस्किटों पर दुबई और ऑस्ट्रेलिया की मुहर लगी बताई जा रही है। पीयूष जैन के पास ये विदेशी सोना कहां से आया? सवाल ये खड़ा होता है, DRI जब इसकी जांच करेगी तो इसका जवाब मिल पाएगा। हाइलाइट्स की बात की जाए तो कई ऐसे अहम मुद्दे हैं जो हाइलाइट्स पर है पीयूष जैन से जुड़े हुए। हाइलाइट्स की बात की जाए तो नंबर वन हाइलाइट है घर में तलाशी में 64 किलो का सोना। पीयूष जैन के घर पर ईंटों पर लगी दुबई ऑस्ट्रेलिया की मुहर, सोने की ईंटों पर। पीयूष जैन के पास सोना कहां से आया, सवाल ये है। और तस्करी से ही अब इसका सच पता चलेगा, क्योंकि तस्करी से ही ये सोना आ सकता है बताया जा रहा है। पीयूष बहुत ही बुरी तरीके से फंस गए हैं, जो वीडियो वायरल हुआ है उनके लिए, उनको लेकर यूपी चुनाव के बीच इस वक्त सपा को काफी भारी नुकसान पहुंचने वाला है। उनकी इमेज पर बहुत बड़ा नुकसान होगा, क्योंकि इत्र के कारोबारी पीयूष जैन पर कानून का शिकंजा कसता जा रहा है। उसकी कानपुर और कन्नौज वाले घर से जो कि संपत्ति मिली है 250 किलो की चांदी को लेकर चर्चा का विषय पीयूष बने हैं। इसके अलावा विदेशी बिस्किटों और पर उनका सवाल खड़ा होता है, कितने सारे उन्होंने पैसे छुपा कर रखे थे। उनके कानपुर वाले घर में तो 177.45 करोड़ रुपए के कैश मिले, 19 करोड़ रुपए का कैश उनके कन्नौज वाले घर पर मिला, 600 किलो का चंदन का तेल रिकवर किया गया है ये भी बताया जा रहा है। कुल रिकवरी 232.45 करोड़ रुपए की है पीयूष जैन के घर से। और सीलिंग की प्रक्रिया चलती रही पूरे दिन तलाशी के साथ। ये बताया जा रहा है कि SBI अधिकारियों की मौजूदगी में घर के अंदर से नोटों से भरे 5 बॉक्स निकाले गए थे। पुलिस फोर्स जब उनके घर छापेमारी के लिए पहुंची, बैंक में जमा करवा दी गई है ये रकम। DRI की टीम ने अपनी सुपुर्दी में ले लिया है इसे। पीयूष के पास इतने पैसे कहां से आए, सवाल खड़े होते हैं, जिसे लेकर सपा जो है बुरी तरह से फंसी है। ये बताया जा रहा है कि सोने की तस्करी को लेकर पीयूष जैन तो बुरी तरह से फंसी गए हैं। जवाब उनसे मांगा जा रहा है, आखिर इतनी संपत्ति उनके पास आई कहां से। नेक्स्ट 9 न्यूज रूम से तृप्ति की रिपोर्ट।